अकीदत एहतराम व सादगी के साथ मनाई गई ईद मिलादुल नबी व जुलूस ए मोहम्मदी मस्जिदों में परचम कुशाई झंडा रोहण की रस्म परंपरा के अनुसार की गई अदा। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में नगर निगम ने रेलवे बस स्टेशन पर चलाया रात्रि कालीन सफाई अभियान। गंदगी फैलाने वाले दुकानों का किया चालान, सभी से कूड़ा गाड़ियों में डालने की अपील। भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह को दोबारा जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा ईमानदारी पूर्वक। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी फिर से बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। गैंग बनाकर वाहन चोरी का अपराध कारित करने वाले 5 अपराधियों के विरुद्ध जंगहा थाने की पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई, एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने दी जानकारी। भाजपा के आईटी एवं सोशल मीडिया की जिला कार्यशाला प्रदेश सह संयोजक आईटी हिमांशु राज पंडित के अध्यक्षता में हुआ सकुशल संपन्न। 2024 चुनाव को देखते हुए सोशल मीडिया के उपयोग के बारे में दी गई विस्तृत जानकारी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने अमर शहीद भगत सिंह के जयंती के अवसर पर भितिहाता स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। कहा, देश के शहीदों को सभी को करना चाहिए नमन। क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति पूर्वोत्तर रेलवे की 111वीं बैठक में उठी मांग, दिल्ली रूट पर चले वंदे भारत, जंक्शन पर लगे बाबा गोरखनाथ की प्रतिमा। गोरखपुर में जिला प्रशासन की पहल पर नगर निगम द्वारा गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए बनाया गया कृत्रिम तालाब, जोर शोर पर किया जा रहा है गजानन की मूर्ति का विसर्जन। जरूरतमंदों को भूख मिटाने के लिए सराहनीय पहल, विशाल लाची फाउंडेशन ने भारत को भूख मुक्त बनाने के लिए पीएम पोषण माह के तहत जरूरतमंदों को परोसा ताजा भोजन, लोगों ने की। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। ईद मिलादुल नबी बृहस्पतिवार को अकीदत एहतराम व सादगी के साथ मनाई गई। ईद मिलादुल नबी व जुलूस ए मोहम्मदी की तैयारियां एक दिन पहले से ही पूरी हो चुकी थीं। सुबह शहर की तमाम मस्जिदों में परचम कुशाई झंडा रोहण की रस्म परंपरा के अनुसार अदा की गई। परचम कुशाई के बाद विभिन्न मोहल्लों से जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। इसका सिलसिला प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक व रात 10:30 बजे से भोर तक जारी रहेगा। घंटाघर और नखास चौक जुलूसों का केंद्र बना रहा। हर मुस्लिम बहुल मोहल्ले ईद मिलादुल नबी की महफिलें व जलसे किए गए। ईद मिलादुल नबी को लेकर मस्जिदों, दरगाहों, घरों को फूलों, लाइटों, इस्लामी झंडों, गुब्बारों से सजाया गया था। इस अवसर पर विभिन्न तरह की झांकियां, घोड़े की सवारी के साथ बड़े और बच्चे अपने हाथों में लिए इस्लामी झंडों के साथ नजर आए। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स मौजूद रही।
चौक मुतवली एक्शन कमेटी प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल्ला, ये जलूस मोहम्मदी का जलूस जो है सुबह 6 बजे से और 1 बजे दिन तक आप प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग निकालेंगे और 1 बजे के बाद हमारे सारे जलूस बंद हो जाएंगे। जो रात के जलूस हैं वो 10:30 बजे रात से हम लोग शुरू करेंगे और सुबह फजर की नमाज तक इंशाल्लाह जलूस मोहम्मदी निकलेगा। ये जलूस ईद मोहम्मदी जलूस है, ये मोहल्ला धम्माल नौजवान कमेटी जामा मस्जिद पूरा फाटक के हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही शान और शौकत के साथ निकाला जा रहा है। हर साल निकलता है जी। कहाँ तक जाएगा ये आपका न, ये साहबगंज होते हुए लड़की होते हुए घंटाघर, घंटाघर से जामा मस्जिद, इसकी याद में निकलता है। ये मोहम्मद साहब के पैदाइश की याद में निकाला जाता है। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में नगर निगम ने रेलवे बस स्टैंड पर रात्रि कालीन सफाई अभियान चलाया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि नगर निगम की पूरी टीम रेलवे बस स्टैंड पर आई है। पिछले 3 महीनों से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रात्रि कालीन सफाई चल रही है, जिसको देखते हुए रेलवे बस स्टेशन पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा कूड़े का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है और जो दुकानदार गंदगी फैला रहे हैं उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। यहाँ पर 300 से ज्यादा दुकानदार हैं। यहाँ पर नगर निगम की गाड़ी सुबह और शाम को आकर कूड़े पर सफाई कर रही है, क्योंकि यहाँ पर काफी भीड़ होती है और यहाँ पर सफाई का होना बहुत आवश्यक है, जिससे शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सके। इस अवसर पर सहायक नगर आयुक्त मणिभूषण तिवारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रात को आ रहे हैं, पूरा बस केवल इसी में डालना है, जो उसे बस डालो इसी में डालो, तो वो बाहर फेंका हुआ है डस्टबिन में जाएगा कूड़ा बाहर। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, देखिए आज हमारी नगर निगम की पूरी टीम बस स्टैंड पे आई है, यहाँ पे रात्रिकालीन सफाई चलती है। पिछले तीन महीने से अधिक से नगर निगम की रात्रिकालीन सेवा
सफाई और डोर टू डोर कलेक्शन भी यहाँ किया जाता है। लगभग 300 से अधिक दुकानदार हैं, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे ये गतिविधियाँ चलती हैं। और यहाँ पे नगर निगम की गाड़ी प्रत्येक दिन मॉर्निंग में और इवनिंग में आती है। इसी तरीके से सफाई व्यवस्था में भी हमारे सफाई श्रमिक प्रतिदिन सुबह और शाम को आते हैं, रात्रिकालीन में आते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे फुटफॉल बहुत है, लोग बहुत आते हैं, आवागमन बहुत होता है, अन्य प्रदेश के अन्य जनपदों से, अन्य प्रदेशों से भी बहुत सारे यात्रीगण आते हैं। इस वजह से यहाँ पे लोड काफ़ी रहता है, जिस वजह से स्वच्छता को विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए नगर निगम ने रात्रिकालीन सफाई भी की है। तो इसी क्रम में हमारे सभी अपर नगर आयुक्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, इंजीनियर साहब, सहायक नगर आयुक्त सभी लोग आए हुए हैं, ताकि ये देखने की रेलवे स्टैंड और बस स्टैंड पे किसी प्रकार की गंदगी लोग ना फैलाएं। सभी को जागरूक भी किया जा रहा है, गंदगी फैलाने पर चलान भी किया जा रहा है, ताकि लोग जाने, क्योंकि ये गोरखपुर का बस स्टैंड है, यहाँ से लोग उतरते हैं, यात्रीगण उतरते हैं तो गोरखपुर की छवि लेकर उतरते हैं, छवि लेकर जाते हैं। तो हमें अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि अपने आसपास गंदगी ना होने दें, नगर निगम की जो गाड़ियाँ आती हैं उसी में कूड़ा फेंकें, अपने सूखा कूड़ा और गीला कूड़े के लिए डस्टबिन अलग रखें। और उस भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने दोबारा जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि संगठन ने मेरे ऊपर भरोसा करके दोबारा जिला अध्यक्ष बनाया, हम अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। उन्होंने बताया कि 2024 के चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा के तहत अभियान चल रहा है। उस कार्यक्रम के तहत हम लोग बूथ बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा दलित बस्ती में जाने का कार्य कर रहे हैं और स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है, इसलिए 2024 के चुनाव में पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा, संगठन ने मेरे ऊपर भरोसा करके पुनः मुझे जिलाध्यक्ष के रूप में दायित्व को दिया है और मैं पूरे विश्वास के साथ अपनी पूरी क्षमता से नेतृत्व के द्वारा दिए गए दूसरी बार इस दायित्व का निर्वहन करूंगा। आने वाला 2024 का चुनाव जो हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, हमारा बूथ सशक्तिकरण अभियान चल रहा है, हमने सेवा पखवाड़ा में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म 17 सितंबर से लेकर के और पंडित महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में हमने तमाम तरह के, इस पखवाड़े में हमने तमाम तरह के कार्यक्रमों को करते हुए बूथ सशक्तिकरण अभियान को भी किया है, दलित बस्ती में जाने का काम किया है, हमने स्वच्छता अभियान भी लिया है। ऐसे तमाम कार्यक्रमों को करते हुए 2024 का चुनाव, जबकि आप जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में निरंतर प्रदेश और देश दुनिया के पलट पर आ रहे हैं और निश्चित ही 2024 का चुनाव हम बहुत ही ऐतिहासिक मतों से जीत करके एक बार पुनः भारत में, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और इस प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंग बनाकर वाहन चोरी करने वाले 5 अपराधियों के विरुद्ध जंगा थाने की पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी नाथ मनोज अवस्थी ने बताया कि गैंग बनाकर वाहन चोरी करने के अपराधों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में गैंग लीडर आकाश निषाद पुत्र लाल बहादुर निषाद व 400 अभियुक्तों सुरेश यादव, शेषनाथ यादव, संदीप यादव और राजन साहनी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इनके द्वारा अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति की जानकारी कर उसकी भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए एसपी नार्थ मनोज अवस्थी ने कहा, संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के
अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। भाजपा के IT एवं सोशल मीडिया के जिला कार्यशाला प्रदेश सह संयोजक IT विभाग हिमांशु राज पंडित की अध्यक्षता में NXC भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने बताया कि IT व सोशल मीडिया की योद्धाओं को 2024 चुनाव को देखते हुए सरकार की योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार व प्रसार करने के लिए बताया गया, जिससे सभी नागरिक केंद्र व प्रदेश की योजनाओं के बारे में जान सकें। हम लोग पूरे देश में समाज में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उसको सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं। इसके अलावा सभी योद्धाओं को 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के उपयोग के बारे में बताया गया। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और चूंकि अब हम लोगों ने नगर की भी बैठक की थी, महानगर की, तो वहाँ पर मैंने उनको काफ़ी लंबा सुना, तो उनको सुनने के बाद मुझे लगता है कि आप लोग बहुत सही जगह पर आ जाए और वो IT सेल के जितने भी लोग हो, जितने यूथ हो, युवा हो, आज बहुत कुछ पा के जाओगे जब ये बोलना शुरू करेंगे। हिमांशु राज जी बहुत सरलता से, इनकी ब्यूटी है, बहुत सरलता से आपको समझाएंगे। आपको इस बैठक में उपस्थित हम सब लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आप सब लोगों को ट्रेनिंग देने आए लखनऊ से छोटे भाई समान श्री हिमांशु जी, गोरखपुर क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सुपरस्टार बड़े भाई आदरणीय श्री रवि किशन शुक्ला जी, हम लोगों के जिले के जिला अध्यक्ष और उनके दूसरी बार घोषणा होने पर एक बार मैं स्वयं, उसके बाद हमारी मुलाकात तो हुई लेकिन मंच मार्फत पहली मुलाकात, इसलिए मैं अपनी तरफ से आपका। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा, आज गोरखपुर जिले की IT एवं सोशल मीडिया का कार्यशाला का आज का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे प्रदेश के IT और सोशल मीडिया के सह संयोजक हिमांशु जी आ रहे हैं, जिनके दिशा निर्देश में ये कार्यशाला संपन्न होगी। IT और सोशल मीडिया के साइबर योद्धा जो सरकार के विकास योजनाओं को लेकर के सकारात्मक सोच को लेकर के आज हम पूरे देश में अपनी सरकार की विकास योजनाओं को, समाज में जो अच्छे कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, हम सोशल मीडिया और IT के माध्यम से पूरे जनता में ये समाचार पहुंचता है। आज उसी का कार्यशाला यहाँ गोरखपुर संपन्न हो रहा है और हमारे सोशल मीडिया और IT के सभी कार्यकर्ता हमारे सातों विधानसभाओं से, जो हमने WhatsApp ग्रुप बनाया है, जो हमने सोशल मीडिया का ग्रुप बनाया है, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर, ऐसे सारे कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये कार्यक्रम हम संपन्न कराएंगे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने अमर शहीद भगत सिंह के जयंती के अवसर पर बेतिहाता स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि देश को आजाद कराने में जिन क्रांतिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उसमें से एक नाम शहीद भगत सिंह का भी है, जिनकी आज जयंती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 5
प्रण लाल किले से दिया है, जिसमें उन्होंने देश के नागरिकों से कहा है कि जब 2047 में ये देश अपने आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा तब भारत अपने विरासत पर गर्व करेगा। पूरे देश को शहीदों को नमन करना चाहिए जिससे हमारा देश दुनिया के अंदर एक नाम बना सके। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गौरव पुनी से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, देश को आज़ाद कराने में जिन क्रांतिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उसमें से एक नाम शहीद आजम भगत सिंह जी का भी है। आज शहीद आजम भगत सिंह जी की जन्म जयंती है। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष राजेश जी, जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर जी और सभी देशभक्त कार्यकर्ताओं ने मिलकर के हर वर्ष इस प्रकार के जो क्रांतिकारी हैं उनको याद किया जाता है। और आज हम सब आकर के यहाँ बेतियाहता चौराहे पर शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम लोग याद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पंच प्रण लाल किले से दिया है और जिसमें उन्होंने ये देश के नागरिकों से कहा है कि 2047 में जब ये देश अपनी आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा तो भारत विकसित राष्ट्र बने और भारत अपने विरासत पर गर्व करे। और हम सबको अपने विरासत पर गर्व है, गौरव है कि शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गुप्तेश्वर दत्त जैसे अनेकों लाखों क्रांतिकारियों के वजह से आज हम सबको स्वतंत्रता मिली है, देश आज़ाद हुआ है। और इसलिए पूरे देश को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हम सब आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता यहाँ उनके श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके उनको याद कर रहे हैं और देश के नौजवानों से आग्रह करेंगे कि किस प्रकार अपने सीने में अपना काम करते हुए देशभक्ति का जज्बा जिस प्रकार से भगत सिंह जी के अंदर था, वो देशभक्ति का जज्बा हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए ताकि हमारा देश दुनिया का सिरमौर बन सके। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावां, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति पूर्वोत्तर रेलवे की बुधवार को 111वीं बैठक में बतौर सदस्य मौजूद सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने गोरखपुर से दिल्ली तक वंदे भारत चलाने की बात कही। साथ ही गोरखपुर जंक्शन पर बाबा गोरक्षनाथ की प्रतिमा लगाने को कहा। उन्होंने कैंपियरगंज और पीपीगंज में प्रमुख ट्रेनों को ठहराव देने की भी मांग की। वहीं महाराजगंज बिहार के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने पटना से छपरा सिवान लाइन पर नियमित ट्रेन सिवान एवं छपरा से पटना आने जाने के लिए कार्यालय समय पर ट्रेन चलाने के साथ ही छपरा मसरख राजापट्टी के बीच हाल्ट स्टेशन बनाने का सुझाव दिया। इसके साथ ही बिहार के महाराजगंज स्टेशन के समपार पर अंडरपास बनाने, महाराजगंज रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट बनाने सहित अनेक बहुमूल्य सुझाव भी दिए। आपसे निवेदन है कि जो मैंने सुझाव दिया है उसको देख लें, जो हो सके उसको छपरा जंक्शन के उत्तर तरफ से जो आगमन प्रस्थान का रास्ता है वो बहुत दिन से इंक्रोचमेंट है, बंद है, उसको चालू कर दिया है। उसमें भी पानी चुका रहता है, बहुत बुरी स्थिति है वर्षा के समय। गोरखपुर में जिला प्रशासन की पहल पर नगर निगम द्वारा गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब बनवाया गया है। यह तालाब रामघाट
तट पर बनाए गए हैं, जहां गणेश प्रतिमा को विसर्जित किया जा रहा है ताकि राप्ती नदी को प्रदूषण मुक्त, सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जा सके। आपको बता दें कि इस कृत्रिम तालाब की लंबाई 50x40 मीटर की गई है, वहीं ये 5 मीटर गहरा भी है। बृहस्पतिवार को गणपति महोत्सव के अंतिम कड़ी में गजानन की मूर्ति का विसर्जन जोर शोर पर किया जा रहा है। शहर समेत आसपास के घाटों पर विसर्जन को लोग श्रद्धालुओं का विशाल जल समूह उमड़ पड़ा है। सुबह से लगाए शाम तक मूर्तियों के विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। लोग पूरे उल्लास से गणपति को विदाई दिए। ऐसे में रंग गुलाल और डीजे की धुन उत्साह को कई गुना बढ़ा। जरूरतमंदों की भूख मिटाने के लिए सराहनीय पहल करते हुए विशाल लाची फाउंडेशन ने भारत को भूख मुक्त बनाने के लिए पीएम पोषण माह के तहत ग्लोबल रोटी डे नामक एक जागरूकता फीड थान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान RHA GKP चैप्टर और प्रेरित युवाओं के सहयोग से वॉकथान के दौरान भूखे जरूरतमंदों को ताजा भोजन परोसा गया और समाज को जागरूक करते हुए सभी को इस तरह की मुहिम से जुड़कर गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया गया। युवा छात्र छात्राओं द्वारा किए जा रहे इस सराहनीय प्रयास की लोग प्रशंसा करते नजर आए। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए छात्र आयुष गुप्ता ने कहा, सर यहाँ पे जितने भी वॉलंटियर जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो अपने घर से बहुत कुछ ताज़ा बना हुआ लेकर आए थे, और जो नहीं ले आ पाए थे जो डायरेक्ट PG से या डायरेक्ट ऑफिस से या कहीं से आए हैं वो पैक्ड फूड लेके आए थे, बिस्कुट, वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स। तो हम लोग उसको अपने रूप में जो भी ज़रूरतमंद लोग दिखे हैं, सहाय लोग दिखे हैं, उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और पब्लिक को अवेयर किए हैं कि अगर वो साल का एक दिन अपने जीवन में साल में एक दिन एक रोटी देने के लिए अपना हाथ उठाते हैं तो हम लोग इंडिया को हंगर फ्री इंडिया की तरफ ले जा सकते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली अपनों को इस तरह के कार्य करने की? सर विशालक्षी फाउंडेशन से जुड़े हैं। विशालक्षी फाउंडेशन एक विशाल लक्ष्य के साथ स्थापित की गई है, 0% हंगर 100% एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ड्रीम स्कूल चलाती है, जहाँ पे सहाय बच्चों को जो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको एक एजुकेशन दिया जाती है, बेसिक एजुकेशन, उनकी डॉक्यूमेंटेशन कराए जाते हैं, जैसे उनके पास आधार कार्ड नहीं है या जो एडमिशन के वक्त लगते हैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी ऐसे स्कूल में जहाँ पे बच्चों को निःशुल्क या बहुत मिनिमल कॉस्ट पे पढ़ाया जाता है, उसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं। देन उसको इस कितना कैपेबल बनाते हैं अपने एजुकेशन या अपने स्किल्स के द्वारा कि वो बच्चा LKG UKG या फर्स्ट में एग्ज़ाम दे के या कनेक्शन से या उसको स्कूल तक ले जाते हैं जिसमें वो 12th तक की एजुकेशन वो कर सकता है। ये एम है जहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ा के स्कूल तक रास्ता दिखाने का काम ड्रीम स्कूल कराता है। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम आयुष गुप्ता,